मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने फिक्स एंड परफेक्ट लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है। हम लोग एक लेयर ले लेते हैं, इसमें सॉलिड एडजस्टमेंट कलर ले लेते हैं जिसमें स्किन का कलर मौजूद हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कुछ येलो में लेना है, फिर भी वो सॉफ्ट रहना चाहिए। येलो चूज कर रहा हूँ मैं। सो कंट्रोल डिलीट करते हैं। कंट्रोल डिलीट करने के बाद वो लेयर गायब हो जाएगा और पिक्चर दिखने लग जाएगा। सो इसमें हम सिंपली इसमें पेन टूल यूज करके उसमें हम लोग सेलेक्शन करने वाले हैं जिसमें स्किन्स है। आप लोग देख सकते हैं मैं सेलेक्शन थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। सेलेक्शन हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, टाइम लगता है। मैं वीडियो को स्किप किया है, और माफ़ कर देना यार भाई, बाहर बहुत सारा क्राउड फील हो रहा है। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, इसके लिए पूरा बैंड बाजा बारात जैसा बज रहा है। कंट्रोल इंटर प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा और इसको डिलीट करते हैं। आल्ट डिलीट प्रेस करना पड़ेगा इसको। जब हम आल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो जो हम लोगों ने सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लिया था वो आ जाता है, और इसको हाइड कर देते हैं और फिर से हम लोग एक लेयर ले लेते हैं। एक्चुअली मैं एक ही स्टेप बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करते ही जाना है, एंड तक फॉलो करके जाना है आप लोग को। उसमें एक ही पोजीशन पे हम लोग सब कुछ कर लेंगे। फिर से हम लोग इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। मैं अभी हेयर के लिए कलर यूज कर रहा हूँ। सो मैं ब्लैक ले रहा हूँ, पूरा फुल ब्लैक ले रहा हूँ, क्योंकि हेयर का तो पूरा ब्लैक ही रहता है। ओके प्रेस कर देते हैं। फिर से वही स्टेप जाना है, लेयर का साइड पे जाना है, राइट साइड पे डिलीट करना है इसको, कंट्रोल डिलीट। देन उसके बाद हम लोग को फिर से सेलेक्शन करना है। क्या हम लोगों ने क्या चूज किया था? हेयर। एक्चुअली इसमें ग्रे हेयर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ब्लैक ही ले ले लिया है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम लोग को अभी सेलेक्शन करना है। मेक श्योर सेलेक्शन थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, फास्ट कर गया है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वरना अगर स्किप नहीं किया तो मैं वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को सीखने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देख दीजिएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर बीच में ही छोड़ दोगे तो वीडियो देखने के लिए आपको समझ में नहीं आएगा। सो देख लीजिए, अभी कम्प्लीटली सिलेक्शन हो चुका है। और थोड़ा देख के, क्योंकि आप लोग को थोड़ा आइडिया भी लगाना पड़ता है कहाँ पे पेन टूल यूज करने से कौन सा एरिया सेलेक्ट होता है बोल के। तो फिर से हम लोग कंट्रोल इंटर प्रेस करते हुए सिलेक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग आल्ट और डिलीट प्लेस करेंगे। बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं, बीएस का मतलब बैक स्पेस है। और कंट्रोल डी कर देने से सिलेक्शन हट जाएगा। पाथ जो बन रहा है अभी दिख रहा है वो अभी थोड़ा, अभी दो ही चीज किया है हम लोगों ने। फिर से एक लेयर लेंगे, लेयर लेंगे, फिर से अभी नेक्स्ट जाने वाले, फिर से एक लेयर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप लोग को एक ही स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, आप लोग कोई भी, मतलब आपको नोज बनाना है पहले नोज बना सकते हैं, हेयर डालना है, हेयर डालना है, फेस डालना है, कुछ भी बना सकते हैं। मैं शैडो डालने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप। फिर से डिलीट कर देते हैं इस लेयर को, मैंने शॉर्टकट्स आप लोगों की स्क्रीन पे दे दिया है। अब शैडो कहाँ पे है आप लोग को पिक्चर में पता होना चाहिए, शैडो कहाँ पे, आप पिक्चर को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे शैडो है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप लोग कहीं पे भी डाल सकते हो। एक्चुअली क्रिएटिव क्रिएटिव जो रहता है ना, अपना थिंक से लेना है। एक्चुअली डिजाइन जो रहता है, हम लोग को कुछ चीज़ देख लिया तो उसका डिजाइन सिंपली कॉपी कर सकते हैं, लेकिन खुद का डिजाइन नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। अगर डिजाइन क्रिएटिव क्रिएट कर लिया तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, पता चल जाएगा। सो देखिए, अभी इसको मैं थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ, क्योंकि शैडो थोड़ा वो हो गया है, ज़्यादा ओपेसिटी हो गया है। सो सिंपली 15, 14, 15, 13 तक रख लेता हूँ, क्योंकि शैडो उतना नहीं दिखेगा पिक्चर पे। थोड़ा कुछ शो के लिए रख देते हैं इसमें। अब देख सकते हैं इसमें शैडो डाल दिया, फिर ऑफ करके देख सकते हो आप। आप लोग जब चाहो लेयर को ओपन करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या बना रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ब्लाइंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फिर से जा वही सेम तरीका कर रहे हो। लिप्स, अभी नेक्स्ट स्टेप लिप्स को हम लोग सेलेक्ट किया है, डिलीट कर देते हैं फिर से लेयर को। फिर से डिलीट करने के बाद हम लोग सेलेक्शन करेंगे। मैं आप लोग को बताया, मैं
पेंट टूल चलाना आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं बहुत जितना भी वीडियो बनाया आप लोग को पेंट टूल के बारे में बताते आ रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, सिलेक्शन थोड़ा अच्छा से होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए आप लोग को कैसा रखने से इजी रहता है। अभी बहुत पूजा हो रहा है तो क्राउड हो रहा है, मेरे को वीडियो ऑडियो के लिए टाइम नहीं रहता है। मैं रात का 10-10 बजे वीडियो बनाता रहता हूँ, ऑडियो डालने के लिए टाइम नहीं रहता, इसके लिए मैं जब फ्री रहता हूँ तब ऑडियो डाल देता हूँ, इसके लिए माफ कर देना यार भाइयों। तो उसके बाद अंदर भी एक बार ट्राई कर लेते क्योंकि सिलेक्शन नहीं, नहीं, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। सो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, देख लीजिए अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक आइडिया रहता है। मैं बोला आप लोग को डिजाइन क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके से बनाना है, तो पहले नहीं होगा। सो कंट्रोल जे कर लेते हैं, आप लोग कंट्रोल जे प्रेस करके बैक जा सकते हैं स्टेप। सो मैं बैक जा रहा हूँ, सिर्फ लिप्स को ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। देन कंट्रोल इंटरफेस कर देते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा, और ड्रिल कर देते हैं फिर से। अभी देख रहे हो थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग अभी आइस और आइस आइस हेयर को पेंट करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो आप इसको सिलेक्शन आउट करने के लिए। आप देख भी सकते हो क्योंकि जो दिख रहा है चेहरा नोज का थोड़ा सा नीचे से, हम लोग लिप्स को बाहर लेके आए हैं तो इसके लिए थोड़ा बेटर दिख रहा है। सो मैं इसका अंदर ब्लैक पेंट करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप लोग ब्लैक में कैसा डाल रहा हूँ, आपका हिसाब से डाल लेना आपको कैसा अच्छा लगेगा। आप कोई भी पिक्चर में ऐसा ही स्टाइल से एडिट कर सकते हो। एक दूसरा सॉफ्टवेयर भी है एलिस्टर बोल के, उसमें भी कर सकते हो, वही आर्ट वर्क के लिए ही है, लेकिन फोटोशॉप में भी कर सकते हो। इसके लिए मैं वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया है। सो एक और लेयर लेंगे, उसमें सॉलिड एडजस्टमेंट कलर चूज करेंगे फिर से। मैं इसमें अभी थोड़ा कम ब्लैक ले रहा हूँ, ब्लैक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे को पे अभी आइज आइज बनाना है। आइज मतलब उसमें आइज तो नहीं दिख रहा है, हेयर है उसमें, देख सकते हैं आईरिस है ऊपर। सो सिंपली इसको फिर से सिलेक्शन करेंगे। मैंने बताया था आप लोग को सिर्फ क्या करना है, एक लेयर लेना है, उसमें सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेना है, उसमें फिर से लेयर पे जाके डिलीट करना है, फिर से उसको सेलेक्ट करना है, फिर से डिलीट करना है। सिर्फ शेप आप लोग को पता रहना चाहिए, ऐसा दी ऐसा रखने से ऐसा अच्छा दिखता है, उतना ही पता रहने से आप लोग कुछ भी बना सकते हो कुछ भी। सो सिलेक्शन हो गया, फिर से इसको सिलेक्शन कर देते हैं। पहले आप लोग को एक आइडिया बना के रखना है कि मेरे को पहले एक वर्क करना है, पहले ए बनाना है, आईज बनाना है पहले, उसके बाद नोज को प्रीसेट करूंगा, फिर नोज लिप्स सेट करूंगा। ऐसा एक वर्क लेके चलोगे तो आपको आसान रहेगा। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे लेयर दिख रहा होगा आप लोग को, उस पर आप लोग नेम भी रख सकते हो, नोज आईज हेयर कलर कुछ भी आप लोग को कंफ्यूज लगेगा तो उसमें नाम रख दीजिए बस सिंपली। सो मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, लिप्स में जा रहा हूँ अभी, लिप्स में देख लीजिए, लिप्स में हम लोग ब्लैक कलर रख रहे थे लेकिन नहीं, इसमें अभी देख लीजिए मैं दूसरा लेयर पे जाके उसको पोस्टपोन करके रख रहा हूँ। सो अभी देख सकते हो सिलेक्शन हो गया है, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद एक बार लेयर्स ऑन करके देख लेते हैं। अभी देख लीजिए थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि चेहरे जैसा लग रहा है, अभी चेहरे जैसा लग रहा है, कुछ और किया तो कुछ दिखना चाहिए ऐसा लग रहा है। अभी देख लीजिए थोड़ा हो चुका है। सो अभी नोज का साइड पे मैं कुछ लाइंस डालने वाला हूँ,
कंट्रोल डी प्रेस कर देने से प्लेयर अनसेलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग ब्लैक सेलेक्शन लेयर जाएंगे, लेयर पे जाके सॉलिड एडजस्टमेंट कलर चूज करेंगे, इसमें थोड़ा वो वाइट ले रहा हूँ। फिर से लेयर को डिलीट कर देंगे, उसके बाद सेलेक्शन में जाएंगे। अब मैं अभी शैडो थोड़ा कम इसमें शैडो देख लीजिए, अब मैं सेलेक्शन जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी देख सकते हो अभी सिलेक्शन हो चुका है, कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आल्ट और डिलीट प्रेस कर देते हैं। अभी देख सकते हो थोड़ा बेटर लग रहा है। सो उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा एक और वर्क करना है, फाइनल वर्क करना है हम लोग को, टी शर्ट को भूल गए। एक्चुअली टी शर्ट को भी हम लोगों ने कार्टून इफेक्ट डाल दिया तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो देख मैं एक और लेयर लेने वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा ग्रे ब्लैक, इसमें लिप्स कलर छूट गया है, हाइड नहीं हुआ है, ऑन ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को अभी टी शर्ट कलर चाहिए। आप लोग कलर वेबसाइट कलर से भी ले सकते हो, सिंपल ये उसके बाद डिलीट कर देते हैं फिर से इस लेयर को, इसको डिलीट कर देते हैं। सो उसके बाद फिर से हम लोग जाने वाले हैं फेस पे, पहले अच्छा सॉरी फेस पे कर दिया मैंने, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेस पे भी डाल देते हैं क्योंकि फेस में कुछ भी नहीं है, स्किन का अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ इफेक्ट डाल देता हूँ, अभी ओपन करके देख लेते, पूरा लेयर ओपन करके देख लेते कैसा दिख रहा है। सो अभी मतलब कुछ मेकअप तो लगाएगा इसके लिए देख सकते हैं। अभी मैं लेयर सब अभी क्लोज कर दिया है क्योंकि आप लोग को दिखाने के लिए पिक्चर फाइनली कैसा दिख रहा है। कंप्लीट तो हो चुका है, फिर भी यहाँ पे कुछ बाकी है जैसा लग रहा है, मतलब एक ही वर्क बच गया है। आप देख सकते हो सिर्फ फेस भी रेडी हो चुका है, कार्टून इफेक्ट सिर्फ कार्टून जैसा ही दिखाना है। अगर रियलिस्टिक फेस दिखने लग जाएगा तो उसको कार्टून बोलने का फायदा ही नहीं रहेगा। सो उसके बाद अभी देख सकते हो नीचे, अभी हम लोग को टी शर्ट पे पेंट करना है, फाइनल और टी शर्ट पे ही रहेगा। सॉलिड एडजस्टमेंट कलर ले लेते हैं, सॉरी यार नॉइस के लिए यार, बहुत बैंड बाजा बता रहे हैं, ठीक है फेस्टिवल टाइम में कुछ भी बता। मैं ग्रे ब्लैक ले रहा हूँ, ग्रे में ले रहा हूँ थोड़ा, वो डिलीट कर देते हैं फिर से लेयर को। आप लोग को स्टेप पता ही होगा, स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। उसके बाद सिलेक्शन कर लेता हूँ, मैं फास्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ और हेयर का अंदर से ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हेयर को पूरा साफ कर देने से थोड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि हेयर साफ रहने से ही अच्छा दिखता है। उसके बाद फिर से कंट्रोल इंटर प्रेस करने हैं, कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आल्ट और डिलीट, ये थोड़ा टी शर्ट जैसा नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ा कुछ मतलब ऐसा ही पर्दा डाल दिया जैसा दिख रहा है। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, फिर से हम लोग एक और लेयर ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा शार्पनेस जैसा कुछ लाइंस डाल देते हैं। अभी देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, फिर से मैं कोई भी आप लोग कलर डाल सकते, थोड़ा सा ब्लैक जाने वाला हूँ। सो उसके बाद हम लोग टी शर्ट डिलीट कर देते हैं पहले इसको, और टी शर्ट में ही हम लोग को जिधर फोल्ड एरिया है, जहाँ पे हम लोग को जो थोड़ा सा मतलब पैंट हुआ जैसा लग रहा है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा पेंट कर देते हैं, पेंट मतलब सिलेक्शन करके उसमें कलर ड्रॉप कर देते हैं। जैसा अभी देख लीजिए मैंने सिलेक्शन किया है बैंडिंग एरिया पे, हाँ वहाँ पे बैंडिंग एरिया पे डाल देते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ, अभी देख लीजिए थोड़ा सा कुछ मतलब हम लोग को सामने से जैसा कुछ लेयर मतलब लाइट्स दिख रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करके ले लेते हैं, लेयर को ऑन करके देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है, और लेयर को एडजस्ट भी करना पड़ता है। अभी हम लोग देख लिया ये लेयर तो लास्ट पे है इसको, तो हम लोग को इस टी शर्ट का लेयर का फर्स्ट उसका एक स्टेप आगे लेयर पे रखना पड़ेगा, वरना क्योंकि हाइड हो जाएगा इसके लिए। सो टी शर्ट में हो गया, फिर से हम लोग एक सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेंगे,
उसके बाद अभी ये सॉलिड एडजस्टमेंट कलर सिर्फ हम लोग हेयर के लिए लेंगे, लास्ट और क्या है अभी ये लास्ट है, तो लास्ट में लास्ट बोल दिया था उस टाइम पे टी शर्ट पे। सो हेयर पे भी कुछ थोड़ा सा ब्रांडिंग जैसा डाल देते हैं जिससे अच्छा लगेगा। सो डिलीट कर देते हैं लेयर को। उसके बाद फिर से जा रहे हैं हम लोग, पिक्चर में जाना पड़ेगा हम लोग को। पहले इफेक्ट पूरा लेयर को बंद बैंड हाइड कर देते हैं, देख सकते हैं मैं हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ और क्लियर को ऑन रखना है आप लोग को। सो फाइनली अभी पिक्चर हो चुका है, सिर्फ एक एक क्लियर है, एक कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो लेयर अभी देख सकते हैं आप लोग को कैसा हेयर को बैंड करके डालना है जो अच्छा दिखेगा। मैं सिंपली इसमें कैसा हेयर मतलब सिल्क हो क्या है वहाँ वहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ बना देने वाला हूँ, जैसे कि प्रेशर आ रहा है जैसा साफ एरिया सिर्फ करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए आप लोग को कैसा सिलेक्शन अच्छा लगता है, आप लोग वहीं वहीं पे डाल सकते हो। सिंपली मैं दो तीन जगह पे डालने वाला हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ। और नीचे लेयर साइड पे भी यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हेयर है, अगर हेयर पे हम लोग वर्क करने लग गए तो प्रॉपरली हम लोग को हाफ आवर तो उसी में चाहिए। दिखने में इजी लगता है, हम लोग बोल रहे वीडियो इतना बड़ा है, अगर आप वर्क करने लग जाओगे ऐसा चीज़ पे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। टेन सेलेक्शन कम्प्लीटली हो चुका है, अभी लाइट है इंटरप्राइज करते कंट्रोल इंटर। उसके बाद आल्ट और डिलीट प्रेस करते हैं और लेयर्स को ऑन करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल डी प्रेस कर देने से आप लोग को पता है, आप लोग को एक ही स्टेप में दो तीन शॉर्टकट्स बताया, उन्हीं पे हम लोग को चलना है पूरा। अभी देख सकते हो बेटर लग रहा है। और लेयर को एडजस्ट करने में बताया था कुछ लेयर हाइड हो जाते हैं लेयर के अंदर, तो उसको हम लोग को ऊपर लेके आना पड़ता है। हम लोग को अभी हेयर पे यहाँ पे जो ब्लेंडिंग किया है वो उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। वो तो गया है देख लीजिए अभी। हम लोग को एक सॉलिड एडजस्टमेंट कलर लेके बैकग्राउंड पे डाल देते हैं जो अच्छा लगेगा। और स्केच के अंदर हम लोग को सिर्फ लेयर डालना है, रियल लेयर पे आप लोग को कौन सा कलर अच्छा लगता है चूज कर सकते हैं सॉलिड एडजस्टमेंट कलर पे जाके। मैं इसमें थोड़ा ब्राइट कलर लेने वाला हूँ जो कि पिक्चर में सीधा ही फोकस जाए ऐसा। पिक्चर अभी इसको पिक्चर नहीं बोल सकते हो, पिक्चर नहीं बोल सकते, इसको स्केच बोलना पड़ेगा क्योंकि कार्टून इफेक्ट है, तो कार्टून इफेक्ट ही ठीक है। कलर एडजस्ट कर लेते हैं और आप लोग को कोई सा भी कलर यूज करना है आप लोग को जस्ट देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए कौन सा कलर अच्छा लगता है। फाइनली वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक पिक्चर को एक कार्टून इफेक्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में बताना आप लोग को क्या चीज़ अच्छा लगा इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन गेट फॉर More videos. Thank you so much, friends.